लेकिन मतलब इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, आज कम आ रहे हैं, आज क्यों कम आ रहे हैं? कोई इशू नहीं, वी डिस्कस। अच्छा, लेट मी गिव यू इनसाइट एज यू नो दैट आई हैव अपलोडेड प्रीवियसली इन लास्ट क्लास दैट वी हैव डिस्कस्ड के तीन वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर चुका था, और अभी जो चौथा वीडियो लेक्चर है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का, वो मैंने अभी संडे को अपलोड किया आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके। तो वीक नंबर 9 के अंदर जो मैंने अपलोड किया था, दैट वाज रिलेटेड टू एसडीएलसी एंड एजाइल डेवलपमेंट। और वीक नंबर 10 के अंदर जो है मैंने अपलोड किया था सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 1, और वीक नंबर 11 के अंदर मैंने लेक्चर अपलोड किया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 2, जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के हवाले से, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। और अभी जो मैंने लेक्चर अपलोड किया संडे को, दैट इज़ रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में जो है वी डिस्कस्ड अबाउट द इशू रिलेटेड टू द कोर इशू रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम, हार्डवेयर इशूज एनालिसिस के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में जो है, जो यूज़र से हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि सिस्टम बनाना क्या है, ठीक है, उसको वो फर्दर फोर एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड निगोसिएशन, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, और फोर्थ जो फेज उसका रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। ये हमने जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के फेज के अंदर पढ़ा था। फिर एलिसिटेशन के अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का एक अलग कोर्स है जिसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चैप्टर जो था जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का हिस्सा था, जो कि मुझे पढ़ाना ज़रूरी था, जो एनालिसिस के अंदर जो है वो करना था, उस एनालिसिस के अंदर जो कि स्टेप है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसके अंदर उसका जो आउटपुट होगा वो होगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जितने भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं वो लिखते हैं। जिस तरह जब भी आप घर बनाते हो, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, कोई परचेस करते हो, या कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को देते हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन बनाते हो, उसमें कंडीशंस लिखी हुई होती है। सेम ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी के दरमियान और जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रही है उसके हवाले से, तो वो एनालिसिस फेज का आउटपुट होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया जिसमें दोनों पार्टनर्स एग्री होते हैं भाई ये चीज़ बनानी है, तो एनालिसिस फेज के बाद हमें वो चीज़ मिलेगी। फिर एनालिसिस के बाद हम जाएंगे डिज़ाइन फेज के अंदर, तो डिज़ाइन फेज के अंदर जो हम उस एनालिसिस को उठा के हम डिज़ाइन मॉडल बनाते हैं। अब डिज़ाइन मॉडल इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो वो फर्दर डिकम्पोज है लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर और फिजिकल डिज़ाइन के अंदर। तो लॉजिकल डिज़ाइन इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल डिज़ाइन इज़ मोर रिलेटेड टू द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब उसके अंदर हम उसके आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, उसके यूज केसेस पे जो है हम काम करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करने के बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हवाले से जो है हम काम करते हैं। फिर उसके बाद जो फेज़ आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, जिसके अंदर आपके पास कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से उसके अंदर सब सिस्टम्स होंगे, कौन कौन से उसके अंदर इंटरफेसेस होंगे, कौन कौन सी उसकी बिल्ड होगी, जो जिसको वर्जन कहा जाता है, कि एक बिल्ड तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ वेरियंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ नाम होते हैं, भाई सॉफ्टवेयर का एक वर्जन होता है उसको बिल्ड भी कहा जाता है, यार ये इसकी कौन सी बिल्ड है। तो सॉफ्टवेयर जब डिलीवर होता है, डिलीवर से पहले बहुत सारी उसकी बिल्ड बनती है, कि ये बिल्ड नंबर 1 है, बिल्ड नंबर 2 है, बिल्ड नंबर 3 है, इस तरह से, ठीक है, जिसमें मतलब हर अपडेट के बाद उसकी कोई उनकी बिल्ड बनती है। ठीक है, उसका आर्किटेक्चर वगैरह में काम होता है उसके अंदर। फिर ये डिज़ाइनिंग के बाद, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद, बिल्ड या बाय दो चीज़ें आती हैं, कि सॉफ्टवेयर क्या हम खुद बनाएं या हम बाहर से परचेज करें। अब ये चीज़ें तो क्लियर होगी सॉफ्टवेयर के, भाई ये चीज़ करनी है, कि क्या बेहतर नहीं है कि हम बाहर से परचेस करें, अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो हम बाहर से परचेस करते हैं उनको कहा जाता है कोर्स, यानी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर,
COTS, मतलब अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है तो मतलब वो टेस्ट किया हुआ होगा, पहले लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके अंदर जो एरर्स होंगे, बग्स होंगे, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम रिमूव हो चुके होंगे। तो या तो हम सॉफ्टवेयर जाके शुरू से स्क्रैच से बनाएं, जब स्क्रैच से बनाएंगे तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, उसमें एरर्स और बग्स भी आएंगे, आस्ते आस्ते वो स्टेबल होगा। अगर वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम वहाँ से परचेस कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुपर मार्केट नहीं बनाने के लिए आप ओपन एक बिजनेस करते हो तो उसके लिए जो पॉइंट ऑफ सेल्स का सिस्टम है, मैं बार बार उसका एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट है उस पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से, सप्लाई चेन के हवाले से। तो अगर उस तरह का कोई सिस्टम है तो मैं सुपर मार्केट ओपन कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या फिजिबल होगा, क्या मैं एक सॉफ्टवेयर जो है खुद एक कंपनी से बनवाऊँ शुरू से, या जो बने बनाए ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है मैं उनसे जो है वो परचेस करूँ? तो बेहतर नहीं है जो बने बनाए मैं उनसे परचेस करूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी उसको इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, अलबत्ता फिर जब मैं उससे बाय करूँगा तो बाय करने के बाद मैं उसको कन्फिगर कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मीन्स उस सॉफ्टवेयर को बाय करने के बाद फिर वो फर्दर उसके अंदर जो है वो इशूज रहते हैं, उसको रीयूज़ कितना कर सकते हैं, उसको कन्फिगर किस तरह से कर सकते हैं, उसके होस्ट की डिप्लॉयमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने जो है डिस्कस की हुई है। उसके बाद उसके जो है वो इंटीग्रेशन के हवाले से, उसकी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, रीयूज है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, होस्ट टारगेट डेवलपमेंट है, आपकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो आपके लाइसेंसेस हैं, ओपन सोर्स आपके लाइसेंस हैं, GNU आपके लाइसेंस हैं, वो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो ये पूरे का पूरा वीडियो जो लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड करके जो आपके ऊपर जो है वो YouTube पे अपलोड करके मैं LMS के जो है वो साइट पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस हवाले से अगर आपने वो चीज़ जो है वो देखी है, अगर कोई इस हवाले से जो आपको कोई वीडियो वगैरह देखा हो, प्रीवियस आपने कोई वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हो उसको, उसके हवाले से अगर आपके पास कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज़ गो अहेड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या असाइनमेंट के हवाले से जो है आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी वो आप पूछ सकते हैं। सनोज ने मैंने कहा कि ही वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द क्लास। सनोज प्री पर्सनल स्टडी क्लास में आया था, उसने अटेंड की थी क्लास? जी बेटा, पाकिस्तान स्टडी क्लास में आया था सनोज? आया था बेटा, मैंने आपके जी बेटा आउट ऑफ सिटी वाला सनोज थे पाकिस्तान स्टडी क्लास में कौन हो? अच्छा, ठीक है, 46 बेटा, ये अमजद अली कौन है? अमजद अली बेटा आपका जो है वो रोल नंबर जो है वो नहीं आ रहा, रोल नंबर क्या है बेटा आपका? रोल नंबर 30। अच्छा, ठीक है। तो बेटा आप रोल नंबर से अपना जो है वो प्लीज़ इसको जूम इन, जूम पे लॉग इन हो गया करें ताकि आपके अटेंडेंस जो है मार्क करना आसान हो। अच्छा, मैं अभी खालिद कौन है? असलान खालिद, आपका रोल नंबर 15 है? तो मेरे पास 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने 13 पार्टिसिपेंट्स की जो है वो अटेंडेंस अपने पास मार्क कर दी है। ठीक है, तो जी बेटा, असाइनमेंट जो है मैंने आपके ग्रुप पे जो है वो वीक नंबर 9 के अंदर मैं अपलोड कर चुका हूँ।
वीक नंबर 9 के अंदर जो आप असाइनमेंट के सेक्शन में जाएंगे, जो वर्चुअल क्लास आपकी डिस्प्ले हो रही होती है ना, तो वर्चुअल क्लास के अंदर आप असाइनमेंट में जाओगे तो वहाँ पे जो है वो एक वर्ड फॉर्मेट में जो है वो फाइल मैंने अपलोड की हुई है, अलबत्ता मैंने वो रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। वो मीन्स आपका जो ग्रुप नंबर जो है वो ग्रुप ए है तो 1 से लेकर 50 तक होंगे, तो 1 से लेकर 20 तक जो आपकी असाइनमेंट होगी वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आपका रोल नंबर 21 से लेकर 40 तक है तो आपकी असाइनमेंट होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपकी जो अगर आपकी जो है वो रोल नंबर 41 से लेकर 60 तक है तो आपकी जो टॉपिक आपका है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो ये जो आपसे कंसर्न ये 3 टॉपिक्स हैं। तो मैंने 1 से लेकर 20 रोल नंबर्स के जो है वो ग्रुप बना दिए, वो हर किसी को मुख्तलिफ टॉपिक जो मैंने असाइन कर दिए। ठीक है, तो आपके क्लास में मैक्सिमम होंगे 60 तक, तो आपके लिए 3 टॉपिक्स ही कंसर्न है। जी बट आमिर, बेटा असाइनमेंट जो है आप LMS के ऊपर अपलोड करके सबमिट करवा सकते हो। मैक्सिमम 20 पेजेस की मिनिमम 20 पेजेस की असाइनमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको ये जो टॉपिक्स हैं मैंने लिखे हुए कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, फ्री सॉफ्टवेयर या पेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनके आपस में कंपेरिजन हो, ठीक है, उनकी टेक्निक्स कौन सी हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस कौन से हैं कराची के अंदर जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, कौन कौन सी जॉब्स डेजिग्नेशंस हैं, कौन कौन सी कितनी सैलरीज है जो कि बंदे अर्न कर रहे हैं, और सर्टिफिकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी जो हैं इस फील्ड के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये सारी ये असाइनमेंट इतनी आसान नहीं है, असाइनमेंट के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। है इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल, आपको सिर्फ सर्चिंग करनी पड़ेगी और अपने हिसाब से डेटा को गैदर करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसपे भी आप जो है वो अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपसे टॉपिक से रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो जो है असाइनमेंट सॉरी आपसे टॉपिक से रिलेटेड जो कि असाइनमेंट है उसके रिलेटेड जो जितनी जॉब्स हैं वो जॉब आपकी कराची के मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो है वो कौन कौन सी अवेलेबल है और ऑनलाइन कौन कौन सी अवेलेबल है, तो ये चीज़ें जो है आपको ढूंढनी है। जी बेटा, अभी तो ओरेकल चल रहा है पाकिस्तान। बेटा मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है, मैं जावा की बात नहीं कर रहा, मैंने जो टॉपिक दिया है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बेटा अभी रोल नंबर जो है दूसरा कौन सा भी आया है, अभी रिसेंटली जो ज्वाइन किया किसी ने, अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया, 38 किसने, काजम अली ने ज्वाइन किया। तो बेटा बोलो ना ताकि आपकी अटेंडेंस रह ना जाए ना। ठीक है, तो ये 20 पेजेस मिनिमम आपको लिखने हैं आपके असाइनमेंट के हवाले से, और इसमें मैंने आपको ये भी कहा कि 30% जो है वो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। 30% मैक्सिमम होगा जो कि अगर आपके इंटरनेट से उठाया हो तो ठीक है, 70% कंटेंट जो है आपने खुद लिखना है। मतलब अगर 20 पेजेस की असाइनमेंट है तो 20 पेजेस में से 5 से 6 पेजेस जो है अगर मैच हो कोई मसला नहीं है, कि 13-14 पेजेस आपने खुद लिखने। आप खुद कैसे लिखोगे सर, हमें कैसे पता चलेगा, हम कहाँ से डेटा लाएंगे कि हम खुद लिखेंगे? आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, डेटा आपको इंटरनेट से मिलेगा, लेकिन अपने अल्फाजों में अपनी वर्डिंग में आपको ये लिखनी पड़ेगी चीज़। ये फिर मैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सर्च करेंगे कि अगर आपका कंटेंट मैच होगा इंटरनेट से 30% से ज़्यादा होगा तो फिर आपके असाइनमेंट के मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है गाइस, और कोई सवाल हो आपका? जी जी
बोले लेकिन बेटा। एमिन के पास जो है बाकी टीचर्स जो है वो अपना विक्रम को दे दिया था, तो 40 मार्क्स के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ, 40 मार्क्स असाइनमेंट। अच्छा, आप फाइल डाउनलोड करो ना वर्ड की, उसके ऊपर लिखी हर चीज़ जो आपका सवाल है उसका आंसर उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। असाइनमेंट इज ऑफ 40 मार्क्स, वो मिड टर्म के जगह पे, वो असाइनमेंट जो 10 मार्क्स की जगह पे ही आपको दी हुई है 40 मार्क्स। इसी वजह से तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा हार्डवर्क करके आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। इतनी आसान नहीं है कि आप एक रात में बैठ के सारी चीज़ें निकाल के जो है आप डिज़ाइन कर लो। नो, इट विल टेक फ्यू डेज टू राइट दैट स्टफ। और चंद बच्चे अभी जो ग्रुप बी में मेरी क्लास ले रहा था, तो उस वक्त वो क्लास की जो है वो क्या करें, बाइकॉट के वाले से बात करें तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी प्लीज़ ना कीजिएगा, क्योंकि बाइकॉट में अगर कोई होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपका ही होगा। ना यूनिवर्सिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना टीचर्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में क्लासेस चल रही हैं, पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी क्लासेस करवा रही है और सिंध यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में क्लासेस हो रहे हैं। तो कोई अगर आप में से कोई एक क्लास अगर बाइकआउट कर भी लेगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आप लोगों को ही पड़ेगा। तो डोंट थिंक अबाउट दैट। और जो जितने बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस में अभी बैठे हुए, इतने ही बच्चे जब रेगुलर क्लास होती थी तो कंडक्ट होते थे, उससे ज़्यादा नहीं आते थे। तो तभी तभी तो हम अक्सर ए और बी की जो क्लासेस कभी कभार कंबाइन करके जो बैठा के क्लास ले लेते थे। तो डोंट थिंक अबाउट दैट फूलिशनेस। नुकसान होगा तो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही होगा और किसी का नहीं होगा। ऑफकोर्स, देखिए पहले जब पहली क्लास में यही तो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि HEC ने दो ऑप्शन दिए थे, या तो आप सेमेस्टर ड्रॉप कर दो, मतलब बच्चों के 6 महीने क्या आप जून जुलाई गुजर के 8 महीने ज़ाया कर दो, क्योंकि आप सेमेस्टर पूरा होता है फिर हम पेपर भी चेक करते हैं, फिर रिजल्ट आता है उसमें वो फर्दर टाइम लगता है। उन्होंने कहा या सेमेस्टर ड्रॉप कर दो या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। तो सेमेस्टर ड्रॉप करना बहुत आसान सा फैसला था भाई, ड्रॉप हो गया ख़त्म हो गई बात, बहुत ईजी फैसला। और अभी नेक्स्ट सिचुएशन का भी नहीं पता कि खुदा न खास कोरोना वायरस कहाँ तक पहुँचता है, फिजिकल क्लासेस जो है वो कितनी चलती हैं, ये स्टार्ट होती हैं नहीं होती, वी नेवर नो। हो सकता है आपका पूरा साल ज़ाया हो जाता है, तो बेहतर है कि दूसरा ऑप्शन चूज़ करें। और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे टीचर्स के लिए भी वही सेम मसाइल है। तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो होंगी वो स्मूथ होती भी जाएंगी। और अभी HEC भी इंटरनेट पैकेजेस के हवाले से भी जो है वो बातें चल रही हैं उनकी, कि इंटरनेट पैकेजेस के हवाले से भी कोई चीपेस्ट हो जो स्टूडेंट्स के हवाले से यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफर हो, कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि आप लोगों के लिए जो हल निकल सके। ठीक है, तो आज सभी प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, हर कोई, एवरीबॉडी इज फेसिंग दैट, लेकिन इंशाल्लाह देयर विल बी अ सॉल्यूशन आफ्टरवर्ड्स, वो रेजोल्यूशन जरूर जो है वो फाइंड आउट होगा। जी किस हवाले से कोऑपरेट करें सर? एक तो जो है वो ड्यूरिंग क्लास टीचर है वो बाइक के मुकद्दर है और चैट से बात, क्या चैट भी ऑन होती है और बात भी होती है? चैट में लिख दे क्वेश्चन, चैट में लिख दें अगर पेजेस कम हो। देखें असाइनमेंट के हवाले से, पेजेस के हवाले से मैंने लिखा हुआ मिनिमम 20 पेजेस होने चाहिए आपकी, 1 लाइन स्पेनिंग होनी चाहिए, 1.5 नहीं होनी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल करें, कैलिबरी यूज़ करें, आप 12 फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। और ये आपके लिए कंटेंट राइटिंग का एक प्रैक्टिस है। आपको पता है कंटेंट राइटिंग जो है वो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि कंटेंट राइटिंग के पैसे पे करते हैं। तो कंटेंट राइटिंग की आपकी एक ये जो है एक जो है वो एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। आपकी 40 मार्क्स तो हैं ही है सब्जेक्ट के हवाले से, लेकिन आपकी कंटेंट राइटिंग के हवाले से बड़ी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग के जो है वो अपना जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी जो नेक्स्ट
अक्सर जो रोल नंबर 1 से लेकर 20 जो है उनका जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। यही हमारा जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यही है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये नेक्स्ट लेक्चर मैं प्रिपेयर करूंगा और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट आसान हो जाएगी। जो थर्ड जो जिनका थर्ड टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, वो भी मैं लेक्चर जो है वो मैं आपको क्लास में डिलीवर कर चुका हूँ, तो उसकी स्लाइड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्लाइड में से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। SQA का लेक्चर आपका कवर हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है उसकी भी आप लेक्चर कहें तो मैं आपको एडवांस में सेंड कर दूंगा, और कोशिश करूंगा अगर उसकी रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द हो सके तो मैं जल्द से उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिकॉर्ड, क्योंकि वो भी आपके ही कोर्स का एक चैप्टर है, तो मैंने चीज़ें जो आपके कोर्स के हवाले से दी हुई हैं। जी यार, नेक्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू SQA, तो मुख्य पर SQA कवर करूँगा, ठीक है। और SQA कवर करें उन्हें का पो जो रिसर्च पाइपलाइन में जो लेक्चर है, लेट मी सी के सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। आप कोशिश कर दोस्त ब लेक्चर JKN से हिन वी करे वठा, तो ही जो नेक्स्ट क्लास है टेस्टिंग टू लेक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर करे वठा, ठीक है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट आई से कहने का ब लेक्चर ऑलरेडी है जो मुझे कवर करना, बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो स्लाइड्स आहिनि उहे चओ त तव्हांखे एडवांस में मोकिले छॾियां, उहे अपडेट करे छॾियां, उहे हवाले में अपडेट करे थो छॾियां, ठीकु आहे। पुटु राइट नाओ वीक नंबर 12 तक JKN से क्लास कंप्लीट थी चुको, नाओ ॾहूं यारहूं ॿारहूं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस विल बी गो वीक नंबर 13, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विल गो टू द वीक नंबर 14 एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल गो टू द वीक नंबर 15। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तव्हांखे वीक नंबर 15 में हूंदो, जेको असांजो लास्ट लेक्चर है। वीक नंबर 16 जो है जेको तव्हांजो फाइनल टर्म आहे, उहो लेक्चर न हूंदो, ऐं बल्कि हिकिड़ी ॿी हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी शइ आहे जेको कोशिशि कंदुसि त केस स्टडी ते ऐं कोई प्रिपेयर कयां का हिकिड़ी स्लाइड अहिड़ी हुजे जंहिंमें कुझु शयूं तव्हांखे जेके कॉन्सेप्ट तव्हां पढ़िया आहिनि उन कॉन्सेप्ट जूं प्रैक्टिकल शयूं तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजनि, तव्हां उहो स्लाइड छाकाणि ॿिया बि सब्जेक्ट्स आहिनि तव्हां सां गॾो गॾु असांजे मास्टर्स जा बि क्लासिस आहिनि, असांजे PhD जा बि क्लासिस आहिनि, त असां कोशिशि करियूं था त जेतिरो असीं जल्दी प्रिपेयर करे सघूं। असां स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि खे बि सुपरविज़न करणी थी पए, उन्हनि जी वाइवा थियण वारियूं आहिनि, ऐं असांखे पाण बि लीड करणो थो पए, पंहिंजी रिसर्च खे बि कंटिन्यू करणो थो पए, त इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, पर इंशाल्लाह कोशिशि करेंगे इसको जो अपलोड करते हो। केस स्टडी मेरी बड़ी ख़्वाहिश है, मतलब आपके लिए तो है ही है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो चीज़ें पढ़ाते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल चीज़ है एक लाइफ साइकिल के हवाले से, वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो वो मैं कोशिश करूँगी अगर मैं बना सकूँ तो जितना हो सके मैं उसको आपके इस सब्जेक्ट कैड में आपको दे दूँ, ताकि वो आपको न सिर्फ इस सब्जेक्ट में इस बैचलर में लेकिन पूरी की पूरी जो है वो आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको काम आएगी। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बैठोगे तो उस स्लाइड को रेफ़र करोगे, ठीक है गाइस। अच्छा 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने 14 की जो 14 बच्चों की जो अटेंडेंस मैं अपने पास मार्क कर दी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फर्दर पूछ लें, अदरवाइज को क्लास को एंड करते हैं और डिस्कस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है ना बेटा, इसको स्टॉप करते हैं, ओके गाइस, पर थैंक यू सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।